हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्लियर सीएसईटी एग्जाम। यस, काफी स्टूडेंट्स ने बोला है सीएसईटी से रिलेटेड वीडियो बनाओ। सो ये रहा सीएसईटी से रिलेटेड वीडियो। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि सीएसईटी सबसे इजी एग्जाम है जो कि तुम लोग देने वाले हो सीएस से रिलेटेड, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल आर वे मोर हार्ड। तो हो जाएगा, बट टेंशन मत लेना। कंटिन्यूअसली रोज अगर तुम 3-4 घंटे 5-6 घंटे भी पढ़ लिए ना, दैट इज मोर देन इनफ टू स्कोर गुड इन सीएसईटी। 30 डेज में भी आराम से यू कैन क्लियर इट। तो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है टू गिव दिस एग्जाम। पहली बात, दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम बाई आईसीएसआई, जो कि तुम घर पे बैठ के दे सकते हो, तुम्हारे लैपटॉप से, तुम्हारे कंप्यूटर से, कहीं पे भी। तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना रहता है एंड यू कैन गिव द एग्जाम्स। ऑनलाइन एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है सारे। 120 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 120 मिनट्स मिलेंगे, यानी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, राइट? तो जो भी है, इसमें सबसे पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी, दैट इज रीड दी इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली। क्योंकि यार, 12th में हम लोग रिटन एग्जाम्स देते आए, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हुए आए हैं। तो ये एमसीक्यू बेस्ड पहला ऑनलाइन एग्जाम है जो कि तुम देने वाले हो आफ्टर 12th और आफ्टर बीकॉम, जब भी तुम कर रहे हो। सो इसके अंदर बहुत ध्यान से सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। दैट इज खाली कमरे में बैठना है, कोई हो नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता कैमरे के सामने से, तुम लोग अपनी चेयर से उठ के नहीं जा सकते, कोई दूसरा टैब नहीं खोल सकते गूगल में, क्योंकि यार अगर छोटी सी भी एक गलती हो गई ना, तो तुम्हें एक अटेम्प्ट लग जाएगा एक्स्ट्रा और तुम यू माइट बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द एग्जाम, ठीक है? तो ये चीज बहुत ध्यान रखना। सारे इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं सब अवेलेबल हैं आईसीएसआई की वेबसाइट पे, जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करो, 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है उसमें, ठीक है? सबसे बड़ी बात जो सीएसईटी का पॉजिटिव फैक्टर है, दैट इज नो नेगेटिव मार्किंग। हर जगह लिखा हुआ है आईसीएसआई का, जहां पे भी सिलेबस है, कहां पे, हमेशा बोल्ड में लिखा हुआ है नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हें 120 क्वेश्चंस हैं, तो मैं बोलूंगा 120 के पूरे अटेम्प्ट करके आओ, कोई भी मार्क्स कटने वाला नहीं है तुम्हारा। तो ये तो डरना मत, 120 क्वेश्चंस है, पूरे अटेम्प्ट करके आना। मान लो अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें बेस्ट आंसर पॉलिसी अपनाने पड़ेगी। व्हाट इज दैट? कि अगर तुमने 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से तुम्हें कौन सा बेस्ट लग रहा है, अगर दो में कंफ्यूज हो, तो दोनों में से कौन सा बेस्ट लग रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसको सिलेक्ट करके आना है, ठीक है? बट कोई भी छोड़ के मत आना, प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होती है, तुम अगर गलत भी होता है तो तुम्हारे मार्क्स तो डिडक्ट होने वाले नहीं है, ठीक है? तो नो नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान में रखना। सारे 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, मैं नहीं जानता, तुम्हें अच्छा स्कोर करना है, राइट? तो ये करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उसको मार्क कर दो बाद के लिए, ठीक है? सबसे बड़ी बात दूसरी जो है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। टाइम मैनेजमेंट हमें पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं और 120 मिनट है, तो 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए तुम्हें दिया गया है। जरूरी नहीं है कि सब में 1 मिनट लगे, क्योंकि कई मान लो करंट अफेयर्स है, तो क्वेश्चन पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाएगा, तो उसमें 10 सेकंड में तुमने आंसर दे दिया, सो दैट टाइम मे बी एक्यूमुलेटेड, बट कुछ क्वेश्चन में टाइम भी लग सकता है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। क्लॉक चलती रहती है साइड में, 120 मिनट्स की जो भी है, क्लॉक चलती रहेगी, तुम्हें पता रहेगा कि टाइम कम हो रहा है, बट हाँ, एक नजर जरूर तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए कि हाँ कितना टाइम लग रहा है। किसी भी क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा लग गए मान लो गलती से, तो उस क्वेश्चन में पैनिक नहीं होना है, वहीं पे नहीं रुकना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना, सिलेक्ट जरूर करना, सो दैट अगर मान लो लास्ट में टाइम भी नहीं मिलता रिव्यू करने के लिए, वो क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो सबमिट हो जाएगा, छोड़ के आगे मत बढ़ना, भले ही कोई भी सिलेक्ट कर दो और उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो। सो दैट मान लो तुमने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट में 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें तुम्हें डाउट है या फिर कंफ्यूजन है, तो तुम लास्ट के 5 मिनट में वो 10 क्वेश्चंस को जाके देख सकते हो फटाफट, अच्छा इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, जो भी बेस्ट आंसर है तुम उसको सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट थिंग इज गिव मॉक टेस्ट। आईसीएसआई ही मॉक टेस्ट करवाता है, दैट इज कंपल्सरी नाउअडेज, तो वो अच्छे से देख लेना, सिस्टम को समझ लेना, उससे एग्जाम से रिलेटेड कोई वास्ता नहीं है, जो भी कह सकते हैं, क्योंकि यार एग्जाम में क्वेश्चन अलग आएंगे और वहां पे मॉक टेस्ट में अलग आएंगे, बट इट्स जस्ट कि तुम लोग यूजफुल हो जाओ कि इंटरफेस कैसा एग्जाम का, लाइक 4 आंसर एमसीक्यू आंसर्स आने वाले हैं, देन उसके बाद टाइम कैसे चलेगा, मार्क कैसे करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लेना।
मेन बात है पढ़ाई करने की। देखो या तो तुम कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो पैनिक मत हो, CA CET बहुत इजी है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्योंकि ये एक एंट्री बेस्ड एग्जाम है। तुम्हें CS में आना है तो तुम्हें ये क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा कोई मिनिमम सीट्स तो है नहीं कि 50 लोग ही एंटर होंगे, सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है तुम्हें, राइट? तो वो तुम आराम से कर सकते हो। खाली जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, चार जो सब्जेक्ट्स तुम्हें दिए हुए हैं, चार टॉपिक्स जो दिए हुए हैं, वो अच्छे से पढ़ लेना। अगर मान लो कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है फॉर CA CET। तो जाके वो सब एक्सप्लोर करो, कॉन्फिडेंस से आंसर देना, अच्छे से सोच के आंसर्स, मतलब जो भी MCQs हैं। मेन थिंग देखो यार, MCQ में क्या चीज कंफ्यूजिंग है, दैट इज द चॉइस तुम्हें दे। लाइक ये लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस के साथ पूरा जो भी है MCQ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एंड गिव योर आंसर, एंड डेफिनेटली यू कैन स्कोर रियली गुड इन CA CET। बहुत ज्यादा हाई लेवल एग्जाम नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तुम लोग को, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर दैट एग्जाम। तो पैनिक बिल्कुल भी मत हो, यूट्यूब पे जाके कंटेंट देख लो, ठीक है? और जो जो चीजें बोली है इंस्ट्रक्शन रिलेटेड और जो भी चीजें हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। आई ट्राई टू मेक मोर वीडियोज एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कैसे क्या करना है, बट दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द एग्जाम, ठीक है? सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट रिलेटेड टू CS। ओके, बेस्ट ऑफ लक।